बुरहानपुर जिले के नेपानगर में स्थानीय प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। दरअसल दिल्ली और गुजरात में हुई आगजनी की घटना के बाद जिला कलेक्टर के निर्देश पर क्षेत्र के सभी मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में फायर सेफ्टी की लगातार जांच की जा रही है, जिसके चलते नेपानगर में रूपवर्षा मॉल पर कार्रवाई की गई। मॉल की जांच करने पहुंचे एसडीएम और नगरपालिका सीएमओ ने मौके पर फायर सेफ्टी की खामियों के चलते मॉल को 3 दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया। वहीं नगर के अन्य मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी नगरपालिका के अमले ने सुरक्षा उपकरणों की जांच की और उन्हें दुरुस्त करने के लिए मॉल संचालकों को नोटिस दिए। क्योंकि ये मॉल के स्वरूप में 5 मंजिला इन्होंने 2-3 प्लॉट को मिलाकर के एक मॉल का स्वरूप दिया हुआ है, जिसमें 5 मंजिल पे इनका कपड़े का व्यवसाय है। और चूँकि ये मॉल के स्वरूप है और इसमें फायर सेफ्टी की जैसी घटनाएं हुई हैं जो अन्य मॉलों में, उनको देखते हुए हमने फायर सेफ्टी के सारे प्रिकॉशन इनके यहाँ चेक किए। तो चूँकि ये इसमें इनका रेजिडेंस भी है, 2 मंजिल में हाफ हाफ पोर्शन में इनका रेजिडेंस भी है, इस कारण से हमने उसको इनका निकास ना बंद हो इसलिए पूर्णतः सील नहीं किया है। किंतु इनको आम पब्लिक पर जब तक फायर सेफ्टी के पूरे नॉर्म्स कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक के लिए आम पब्लिक पे आवागमन पर रोक लगा दी। सर, नेपानगर में दूसरे भी मॉल है क्या, उनकी भी जांच की जाएगी? बिल्कुल जांच की जाएगी, जो भी अगर मॉल इस तरह के पाए गए उन पर कार्रवाई होगी। चूँकि जैसी जैसी दुकान होती है उसके मानक सेफ्टी के अलग अलग हैं, बड़े मॉल पर बड़े मानक हैं उसके और छोटे मॉल पर छोटे मानक हैं, उस मानक के अनुसार सारी जांच करके और उन पर सेफ्टी के सारे इंतजाम कराने के लिए।